जो स्टॉक में इस पूरे स्पेस में पिक करूंगा वो रहेगा कोल इंडिया। मुझे लगता है बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट कोल इंडिया ने कल के सत्र में दिया है, और हमारा मानना है कि इस अपमूव में 560-570 की ट्रेजेक्ट्री कोल इंडिया के स्टॉक में बन सकती है। करेंट लेवल पे भी कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो क्लोज टू 5% डिविडेंड यील्ड आ रही है, और जहां कंपनी एक समय पे 6500 से 8500 करोड़ का केपेक्स करती थी, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 19000 करोड़ का केपेक्स किया है, और फाइनेंशियल ईयर 24 के एस्टिमेटेड जो केपेक्स है वो क्लोज टू 16500 करोड़ का है। कंपनी ऑलमोस्ट 780 मेट्रिक टन के जो जो प्रोडक्शन को टारगेट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 25 में, और ऑलमोस्ट 850 मेट्रिक टन को एक्सपेक्ट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूं कि कोल का 90% जो प्रोडक्शन है वो पावर सेक्टर की तरफ जा रहा है, तो ये पावर को प्ले करने के लिए कोल इंडिया एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लार्ज कैप पीएसयू के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। बिल्कुल, लार्ज कैप पीएसयू में कोल इंडिया ये आपकी पिक रहेगी, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए अब धर्मेश कांत भी जुड़ गए हमारे साथ एक फंडामेंटल पिक के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए इन लेवल्स पर मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं और आपकी पिक क्या होगी? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष सर, सारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स को। देखिए मार्केट में वॉलिटिलिटी तो आ गई है और थोड़ा सा भी ट्रेडिंग रेंज में मार्केट चल रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो था उससे सबसे अच्छे नंबर्स आए थे Q4 में। अराउंड 50% के आसपास का एवरेज पैड ग्रोथ आया था जो एग्रीगेट लेवल पर अगर देखते हैं, और ये आया था आपको इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी पर, और निम्स मोर ऑर लेस इन्होंने स्टेबल रखा, ज़्यादा वहाँ पर खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था। वहाँ पर मुझे लगता है कि SBI अभी भी काफ़ी रॉक सॉलिड है। अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो ये प्राइवेट सेक्टर लाइक ICICI बैंक एक्सिस से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 30-40% डिस्काउंट पर चल रहा है, और आगे का जो गेम है अनुज नेक्स्ट वन ईयर के लिए मुझे लगता है CD रेशियो का रहेगा। जिसके पास जितना अच्छा CD रेशियो है उसके पास उतना ग्रोथ कैपिटल रहेगा इक्विटी के हिसाब से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए, तो वहाँ SBI स्टैंड आउट करता है। ICICI बैंक 85% के आसपास है, SBI के 81% के आसपास है, तो एक एल्बो रूम है। NPA क्वालिटी काफ़ी अच्छी रही है, नेट NPA अराउंड 0.57% रहा है, और पैड कैगर की बात करें लास्ट 10 ईयर्स की तो ICICI बैंक का अराउंड 12-13% का रहा है और SBI का वो 18-19% कर रहा है। गुड ROEs, लो PE मल्टीपल, तो मुझे लगता है ट्रेड के हिसाब से तो एक 900 के टारगेट के लिए भाई बनता ही है, बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटली भी सीइंग द अपकमिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा पिक है, तो SBI पे बाई करने की सलाह रहेगी आज के लिए और आने वाले एक दो हफ्ते के लिए। SBI आने वाले 2-3 हफ्ते के लिहाज से भी अट्रैक्टिव लग रहा है भाई, फंडामेंटली साउंड काउंटर आपकी स्क्रीन पे। क्विकली रिकैप आज के टॉप कॉल्स का, ब्रिटानिया है गाबा सर का एक बढ़िया सा डिफेंसिव बेट, एग्रेसिव होके IEX खेले 2 दिन, अब डिफेंसिव पे फोकस कर रहे हैं। 5110 के SL के साथ 5300 का टारगेट। आज के नतीजों से पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स चार्ट्स पे मजबूत, 474 का स्टॉप है, 490 के टारगेट्स हैं मानस के, और चाहे तो 480 का कॉल ले लें। SBI धर्मेश कांत साहब का आज का प्रेफर्ड फंडामेंटल आइडिया है, वो तो पोजिशनली भी कह रहे हैं खरीदा जा सकता है 900 के लक्ष्य के लिए। सतपुते साहब ने सिप्ला, आज फार्मा रडार पे था, बढ़िया ब्रेकआउट हो रहा है, 1410 का स्टॉप है, 1480-1520 के लक्ष्य है। पावर बहेती साहब का प्रेफर्ड आइडिया, उसमें दिग्गज NTPC 365 का स्टॉप है, 379-385 के टारगेट्स, और यही पावर थीम वैसे चतुर्मोता साहब को पसंद आ रही है, कोल इंडिया पे दाव लगा रहे 560-570 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। और कल ही मैं पढ़ रहा था वैसे दिल्ली की पावर डिमांड ऑल टाइम हाई, 7700+ मेगावाट की पीक डिमांड है दिल्ली में इंटेंस हीट वेव के बीच। गजब